मीना कुमारी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी। आज भले ही वह हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी दमदार अदाकारी और हर एक अदा दर्शकों के दिल में जिंदा है। मीना कुमारी जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खूबसूरती से वह फिल्मों में अपने किरदार निभाती थी। बचपन में मीना के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उन्हें कम उम्र में ही काम करना पड़ा। बचपन में माँ बाप और भाई बहनों के लिए पैसे कमाने के लिए मीना ने अभिनय का रास्ता चुना। मीना ने मजबूरी में अभिनय शुरू किया था, लेकिन वह आगे चलकर उनका शौक बन गया। आज अभिनेत्री के विषय में हम कुछ बातें करेंगे आपसे, जो उनकी जिंदगी से जुड़ी है। मीना कुमारी का जन्म 31 मार्च 1933 को मुंबई में हुआ था। मीना ने स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। वह शायरी की शौकीन थी। साल 1939 में मीना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। वह विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में नजर आई थी। 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिली, जिसने उन्हें अभिनेत्री के रूप में स्थापित भी किया और उनके करियर में चार चांद लगा दिए। मीना बचपन से ही अभिनय करती आ रही थी, जिसके कारण उनके लिए लाइट और कैमरे से दूर रहना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब वह मौत के कगार पर पहुंची, तो उसी बॉलीवुड इंडस्ट्री को कोसने लगी थी। फिल्मों और करियर को लेकर मीना की किस्मत जितनी अच्छी थी, उनकी असल जिंदगी उतने ही तूफानों से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे कि उन्हें ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाने लगा था। जहाँ बचपन में मीना को कोई सुख नहीं मिला था, वहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी भी सुखी नहीं रही। एक साथ काम करते हुए कमाल अमरोही और मीना कुमारी एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे मीना से निकाह किया। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कमाल को मीना का देर रात तक काम करना पसंद नहीं था, साथ ही वह उन पर रोक टोक भी लगाते थे। इंटरव्यू के दौरान कमाल के बेटे ताजदार ने खुलासा किया था कि उन्होंने मीना के सामने शादी की कई शर्तें रखी थी, जैसे वह 6 बजे से पहले घर लौट आएंगी शाम को, रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकती, किसी को को-स्टार के साथ बाहर नहीं जाएंगी और न ही कोई नई फिल्म साइन करेंगी। कमाल की लगाई गई पाबंदियों के कारण मीना को उनकी जिंदगी कैद जैसे लगने लगी। लोग उन्हें पिंजरे का पंछी भी कहने लगे, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। लेकिन कमाल ने इस शर्त पर उन्हें काम करने दिया कि उनके फिल्म की सारी स्क्रिप्ट पहले वह खुद पढ़ेंगे। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए और आखिरकार एक रोज दोनों तलाक के बाद अलग हो गए। हालांकि तलाक के बाद भी मीना कमाल की फिल्मों में काम करती रही। मीना कुमारी को शराब पीने की लत लग चुकी थी। ज्यादा शराब पीने के कारण उनकी हालत खराब होती गई और वह गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में जब वह अकेली थी, तब उन्हें गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कमाल से माफी मांगी थी। कमाल ने भी उन्हें माफ कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने पाकीज़ा फिल्म की शूटिंग पूरी की। लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद ही वह लीवर सिरोसिस बीमारी की शिकार हो गई और दवाई की जगह शराब पीने लगी। आखिरकार 31 मार्च 1972 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।